नमस्कार दोस्तों, मैं और ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है उसके बारे में। बिना परीक्षाएं दोस्तों अगली कक्षा में दिया जाएगा प्रवेश। UGC ने दोस्तों प्रवेश को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। UGC दोस्तों जो कॉलेज की आधिकारिक संस्था होती है उसने गाइडलाइन जारी कर दी है और आपको किस आधार पर दिया जाएगा अगली कक्षा में प्रवेश, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका में आज का आया हुआ है, देने पड़ सकते हैं कॉलेज व विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रवेश। अस्थायी प्रवेश क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। क्या है सत्र 2019-20 की परीक्षाएं और परिणाम में होगी देरी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इस बार विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश यानी अस्थायी देने पड़ सकते हैं। सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं एवं परिणाम में विलंब हो रहा है, ऐसे में UGC केंद्र और राज्य सरकार सत्र 2020-21 की योजना बनाने में जुटी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के आदेशानुसार देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 20 मार्च से सेमेस्टर और सालाना परीक्षाएं स्थगित है। केंद्र सरकार के लॉकडाउन के चलते परीक्षात्मक कार्य भी प्रभावित है। इनसे केंद्र और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय निजी और सरकारी कॉलेज शामिल है। इसको लेकर दोस्तों UGC ने गाइडलाइन जारी करके समिति बना दी है। देखते हैं दोस्तों, UGC के चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह ने बताया कि मौजूदा हालात में अगले सत्र की प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा और अन्य अकादमिक नवाचार के लिए प्रोफेसर रमेश कुहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी को विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, अगले सत्र की प्रवेश प्रक्रिया और अन्य पर चर्चा कर रिपोर्ट सौंपनी है। उसके बाद में दोस्तों आगे और देखें तो इधर राजस्थान में भी प्रोफेसर R.K. कोठारी, प्रोफेसर PC त्रिवेदी और अन्य की कमेटी गठित की गई है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है वो ये है कि कमेटी, एक तो UGC ने अलग से कमेटी गठित की है और जो UGC ने कमेटी गठित की है वो जो गाइडलाइन जारी करेगी या वो जो सिफारिशें देगी दोस्तों उसे पूरे भारत के हर कॉलेज को मानना पड़ेगा। लेकिन जो राजस्थान में प्रोफेसर आर के कोठारी PC त्रिवेदी की जो समिति बनी है उनके जो दोस्तों नियम है वो केवल राजस्थान में ही लागू होंगे। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान में भी यह सिफारिश की गई है, स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के मौजूदा विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोविजनल प्रवेश, MA, MCOM और MSc के विद्यार्थियों को फाइनल में प्रोविजनल प्रवेश। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, प्रोविजनल प्रवेश पर ज्यादा जोर। नियमानुसार देश के सभी विश्वविद्यालयों को 30 जून तक परीक्षाएं सेमेस्टर को छोड़कर परिणाम घोषित करने के साथ साथ दाखिले पूरे करने हैं। लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों कॉलेजों में सालाना परीक्षाएं अटक गई हैं। नए सत्र में परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्थायी प्रवेश मिलने हैं, जबकि ड्यू पेपर या सप्लीमेंट्री आने पर विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश दिए जाते हैं। मई जून में सभी परीक्षाएं कराना और परिणाम निकालना आसान नहीं है। लिहाजा देश भर में UG PG स्तर पर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोविजनल प्रवेश देने पर जोर दिया जा रहा है। अब दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं कि प्रोविजनल प्रवेश है वो क्या होता है, तो प्रोविजनल का दोस्तों हिंदी में अर्थ होता है वो होता है अस्थाई। यानी आपको दोस्तों एडमिशन तो अगली कक्षा में मिल जाएगा लेकिन जो एडमिशन होगा दोस्तों वो अस्थाई एडमिशन होगा। अब वो किस आधार पर अस्थाई होगा वो देखना दोस्तों अभी बाकी है कि ये अस्थाई प्रवेश किस आधार पर देते हैं। कंडीशन तो दोस्तों ये बनती है कि आपको अभी अगली कक्षा में है वो प्रमोट कर दिया गया है, प्रोविजनल प्रवेश दे दिया गया है, लेकिन जून जुलाई में स्थिति सामान्य होती है, आपके एग्जाम होंगे और एग्जाम के बाद में आपको पूरा अस्थाई है वो प्रवेश दे दिया जाएगा। लेकिन ये भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि दोस्तों यदि प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है या फिर जो बड़ी कॉलेजेस होती है उसमें एडमिशन किस आधार पर दिया जाएगा, इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना दोस्तों UGC को करना पड़ सकता है। दूसरी कंडीशन दोस्तों यह हो सकती है प्रोविजनल प्रवेश की, जिसकी हमने मांग भी रखी थी कि अभी केवल अगली कक्षा में उन विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए और जो उनके आगामी कक्षाओं के प्राप्तांक होते हैं उनका औसत अंक होता है वो उन्हें बाद में आगामी साल के अंतर्गत है वो प्रदान कर दिया जाए और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उन्हें प्रथम व द्वितीय वर्ष के एवरेज मार्क्स है वो दे दिए जाए। ये कंडीशन भी दोस्तों बनती है लेकिन अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है कि दोनों में से किस कंडीशन को UGC फॉलो करेगी अथवा कोई नई कंडीशन है दोस्तों वो लेकर आएगी। अभी यही न्यूज निकल कर आ रही है कि UGC ने दोस्तों एक नई समिति बनाती है जिसने सिफारिश की है कि सभी विद्यार्थियों को कॉलेज के प्रोविजनल प्रवेश यानी अस्थायी प्रवेश दे दिया जाए, उनको अस्थायी एडमिशन मिले। धन्यवाद दोस्तों। कॉलेज के विद्यार्थियों से जुड़ी हुई कोई भी खबर, कोई भी अपडेट, प्रवेश से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।